आपका दोस्त चंदन भट्ट अपने नए YouTube चैनल लघु उद्योग बालाजी इंडस्ट्रीज में आपके साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। अपने इस YouTube चैनल लघु उद्योग, हमारा जो ये चैनल, हमने इस चैनल का नाम रखा है लघु उद्योग बालाजी इंडस्ट्रीज। इसका हमारा उद्देश्य है कि हम आपके साथ ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग लाएं और छोटे छोटे ऐसे बिजनेसों को आपके सामने लाएं जिनसे कि आप अपना बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्टअप खड़ा कर सकें और बहुत ही कम लागत में अपना अच्छा बिजनेस एम्पायर सेट कर सकें। इसलिए हमने इस चैनल का नाम लघु उद्योग रखा है। इस चैनल से जुड़ी हुई जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई जानकारियां ले सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम आपके साथ लघु उद्योग से जुड़ी हुई एक ऐसे बिजनेस को लेकर पहुंचे हैं जिस बिजनेस का जो है अभी बहुत अच्छे ट्रेंडिंग में है और इस बिजनेस का ग्राफ ना कभी कम था, ना कभी कम है और ना कभी कम होगा। ऐसा बिजनेस हम आपके साथ लेके आए हैं जो है हवाई स्लीपर का। हवाई स्लीपर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो जिसकी एक वैलिडिटी हम जिस तरीके से कहें वो कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि हवाई स्लीपर ऐसा बिजनेस है जो आपका लाइफ टाइम बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस हम कह सकते हैं। और इससे जुड़ी भी मैंने अपने इससे पहले भी YouTube चैनल में हमारे आपको एक वर्किंग की वीडियो स्टार्ट की थी। ये जो हमारी स्लीपर मेकिंग की मशीन है, इस मशीन की कॉस्ट ओनली ऑन 25,000 रुपीज है, जो इससे जुड़ी हुई वर्किंग की वीडियो में आपसे पहले भी इस वर्किंग की वीडियो को पब्लिश कर चुका हूं। उसे आप हमारी चैनल पे आई बटन पर क्लिक करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इस मशीन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या इस वर्किंग से रिलेटेड क्या क्या इस बिजनेस में मेन पहलू है, उन पहलुओं को लेकर आपके साथ आया हूँ। तो देखते हैं इसके बाद इस बिजनेस में हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं जिनसे जुड़कर या जिनसे तैयार होकर हमारा ये बिजनेस तैयार होता है, उन मशीनों के बारे में हम जानकारियां लेंगे। और ये जो स्लीपर मेकिंग का बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है जो बहुत कम पैसे में आप इसको शुरू कर सकते हैं। तैयार इस मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इस मशीन में मेन जो आपके पार्ट्स है, पांच पार्ट्स से मिलकर इस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इस मशीन में मेन जो आपके पार्ट्स हैं, पांच पार्ट्स से मिलकर इस की वर्किंग कंप्लीट होती है। उसमें पहला पार्ट जो रहता है हमारा, ये मैनुअल कटर रहता है। मैनुअल कटर से क्या होता है कि इसको ऐसे आप प्रेस करके इससे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बाकी वर्किंग में मैंने आपको दिखा रखा है। उसके बाद दूसरी चीज जो है इसमें आप दूसरी चीज मशीन जो हमारे पास आती है इसमें इसी सीरीज में वो है ग्राइंडर प्लस ड्रिलर। इस मशीन में आप क्या कर सकते हैं कि इसी एक मशीन से आप ड्रिल भी कर सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं चप्पलों को। जब आप इससे मशीन से चप्पल को तैयार करते हैं, मैं चप्पल की कटिंग करते हैं, तो उसके बाद जो आपका मैं एक सोल आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से हमारा सोल तैयार होता है। इस तरीके से सोल तैयार होने के बाद में जो हमारी ये ड्रिल है, ये सब चप्पल की डाइयास करती है, जिसे हम कहते हैं जो डाई जाती है, वो सब इसको कटिंग करती है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग के लिए ड्रिल मशीन का यूज करना पड़ता है। तो इस मशीन से हम इसको ड्रिल करके इसकी जो सेकेंड जो थीम है उसको तैयार करते हैं। और इस तरीके से ये हम ड्रिल करते हैं। उसके बाद की जो आगे की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम इस मशीन से ग्राइंड करते हैं। और ग्राइंड करने के लिए जैसे कोई चप्पल की फिनिशिंग सही नहीं रह पाती है, कटिंग में कोई दिक्कत होती है, उसके लिए हम इस मशीन में इससे ग्राइंड करते हैं। और इस मशीन से ग्राइंडर और ड्रिलर दोनों एक ही मशीन से हम यूज करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आती है स्ट्रैप लगाने के लिए, स्ट्रैप टूल। इस स्ट्रैप टूल से जैसे मैंने आज में वीडियो में आपको दिखाया था, इस तरीके से आप इसमें स्ट्रैप लगाते हैं और इस तरह से इसको यूज करते हैं। ये स्ट्रैप टूल है छोटा सा, और इस स्ट्रैप टूल से जो आप स्ट्रैप लगाने का, स्ट्रैप मीन्स फीते लगाने का जो भी काम है, वो एक छोटे से इस टूल से आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, चौथी चीज, वो है इसकी डाइयां। इस मशीन के साथ हम आपको पांच डाइयां बिल्कुल फ्री देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पांच डाइयां रहती हैं इस मशीन के साथ। और ये इस टाइप की डाइज आती है जो अलग अलग साइज के हिसाब से आती है, किड्स की अलग आती है, लेडीज और जेंट्स में सब साइज वाइज अलग अलग डाइयां आती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी पांचवी चीज है वो ये है कि जैसे हमने इस चप्पल को प्लेन जो सीट है, इस सीट को हम कट करते हैं, इस स्लीपर को कट करने के बाद जब हम
इस स्लीपर को हम प्रिंटिंग करके और डिजाइनिंग में हम जब बनाना चाहते हैं, इमोजिंग करना चाहते हैं, तो इस मशीन से जैसे आपने देखा होगा स्क्रीन प्रिंटिंग द्वारा डिजाइनिंग की जाती है, शादी कार्ड की छपाई होती है, उसी तरीके से स्क्रीन प्रिंटिंग से आप इसमें प्लेन चप्पल में इसको प्रिंट करके डिजाइनर चप्पल बना सकते हैं। और इसके लिए भी हम मशीन के सेटअप के साथ एक मैनुअली जो प्रिंटिंग बोर्ड होता है इस तरीके का, वो प्रिंटिंग बोर्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन के साथ प्रोवाइड करवाते हैं। और मशीन से साथ में हम लोग इस पूरे सेटअप की मशीन के साथ साथ एक हमारा मैनुअल कटर रहता है, ग्राइंडर ड्रिलर रहता है, स्ट्रेस टूल रहता है, और उसके साथ चौथी चीज जो है 5 डलियां हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं इस तरीके की, जिसमें अलग अलग साइज आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग 5वीं चीज जो है सेटअप में प्रिंटिंग बोर्ड देते हैं, जो पूरे कंप्लीट सेट होता है हमारे 5 चीजों का। इस कंप्लीट सेटअप का आपका कॉस्ट है ओनली ऑन 25,000 रुपीज, ये कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। और इसके बाद इस मशीन से हम लोग पूरी चप्पल की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं।